कांग्रेस की बनेगी सरकार मध्य प्रदेश में, क्योंकि काफी अच्छा माहौल है और बीजेपी वालों ने बहुत सारा भ्रष्टाचार कर रखा है। जो 15 महीने में काम हुआ वो 18 साल में काम नहीं हुआ। इसलिए कमलनाथ जी को लोग चाहते हैं कि जो कहते हैं हम क्या घोषणा पत्र नहीं करते हैं जारी, वचन देते हैं, जो वचन दिया वो पूरा करा। कांग्रेस सरकार 100% कांग्रेस सरकार। भ्रष्टाचार में विकास हो रहा है बीजेपी का, और बीजेपी के नेताओं का सिर्फ विकास हो रहा है, बाकी जनता का और धरातल पे कुछ भी विकास नहीं हो रहा। बीजेपी तो कार्य अच्छे दिन आ गए ना? अच्छे दिन कहाँ से आ गए? माननीय शिवराज सिंह जी जब कहते थे कमलनाथ जी की सरकार थी कि मंत्री कहाँ महलों में घुसे है, उनको खेतों में होना चाहिए, तो आज शिवराज सिंह जी के कितने मंत्री खेतों में गए है और कितने किसानों का सर्वे हुआ है ये तो बताए बीजेपी। बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। किसान आक्रोश में है। आज जिस हिसाब से किसानों की दुर्दशा हुई है, आज डूब क्षेत्र में देख लो, नर्मदा बेल्ट में माननीय देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाने के लिए पूरा जलमग्न कर दिया और पूरी जनता को डुबो दिया है। ये विकास कर रहे हैं, ये सब विकास है बीजेपी का। बीजेपी तो कह रही है 70 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई मोदी जी 9 साल में कर दिए। नौ साल में वही किया है कि 70 साल में कांग्रेस ने कभी गरीबों का शोषण नहीं किया है, कभी गरीबों को डुबाया नहीं है। आज जैसे नर्मदा में पूरा जल स्तर बढ़ा के उन्होंने गरीबों को डुबाया है और कितनी जाने गई है, ये कांग्रेस ने कभी नहीं 70 साल में किया है। कमलनाथ वो तो कह रहे हैं कि अभी देखिए ना, महिलाओं के 1,000 रुपए दे रहे हैं, सिलेंडर 450 कर दिए। कहाँ 450 कर दिए, आज का रेट देख लो, 209 रुपए और बढ़ा दिए सिलेंडर में। कौन कहता है कि रेट घटा दिए, रेट बढ़ा रहे हैं। आज ही मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास अभी अभी मैसेज दिया है, ये मैं आपको प्रूफ के साथ में दिखाता हूं कि 209 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा है। मामा जी तो कह रहे थे ना कि अभी कम करेंगे सिलेंडर। तो मामा जी तो घोषणा करते हैं, घोषणावीर मामा जी है ये। धरातल पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ घोषणा है इनकी, घोषणाओं के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे सर? जो गैस सिलेंडर 380 रुपए का था और इन्होंने अभी इतने साल तक इसको 1,200 में बेचा और अपना कोष भरा, और अब जाके जब चुनाव आ गया है तो इनको ये लाडली बहना और ये चीजें याद आई। 20 साल तक इनको बहनों का कोई ख्याल नहीं आया क्या हम इनको मदद करें। उनके जो गैस के चूल्हे थे वो वापस बंद हो गए थे और लकड़ी से माता बहना अपना खाना बना रही थी गाँव में, तब उनको मामा जी को याद नहीं आया कि हम उज्ज्वला योजना में 400 क्यों, उनको भी 1200 रुपए में ही लेना पड़ा। स्मृति रानी को जानते हैं आप? स्मृति रानी को? स्मृति रानी जी तो जब अपने मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो सर पे टंकी उठा के 380 रुपए के लिए पूरे दिल्ली को सर पे उठा लिया था। अब जब 1200 रुपए की टंकी है तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि ये इतनी महंगाई आप क्यों कर रहे हैं। आपने माता बहनों को कहा कि आप लकड़ी छोड़ के और ये उज्ज्वला दे रहे हैं। उज्ज्वला में क्या हुआ? उज्ज्वला में जो आपने कनेक्शन दिए, जो सब्सिडी का पैसा आता था उसी पैसे से काट के आपने अपने कनेक्शन के 2,000 रुपए वापस प्राप्त कर लिए, इसलिए मुफ्त में कुछ नहीं था, उन्हीं का पैसा था, उनको दे दिया और एक बार उनकी आदत लगा दी। और जब 1200 का सिलेंडर हो गया और गरीब लोग नहीं खरीद सके, तब जाके उन्होंने फिर ये मजबूरी में उन्होंने चूल्हा चलाना पड़ा। अभी तो मामा जी कह रहे थे कि अगर हम चले जाएंगे तो बहुत सोच अफसोस होगा आप लोगों को। मामा जी का मैं आपको क्या बताऊं, मोदी जी को तो शेर लाने का शौक है, विदेश से भी शेर लाए हैं, और अभी उन्होंने दिल्ली से 3 शेर यहाँ भेज दिए, एक चंबल का शेर, एक मालवा का सफेद शेर, एक नर्मदा का शेर। अब एक इलाके में एक ही शेर रहता है, तो मामा जी तो उन शेरों के बारे में सोच रहे हैं कि ये क्या करूं मैं। बहुत ज्यादा अफसोस होगा मामा जी के जाने से, क्योंकि ऐसी झूठी घोषणाएं सुनने के लिए नहीं मिलेगी और किसान इतने खुश हो जाएंगे। मामा जी को हमेशा याद करेंगे कि जो किसानों के लिए कभी मामा जी ने आज तक कुछ भी नहीं काम किया है, तो इसलिए हमेशा किसान याद करेंगे कि अच्छा हुआ मामा टला और माननीय कमलनाथ जी आए हैं, इसलिए किसान याद करेंगे। कमलनाथ जी ने 2019 में जब प्राकृतिक आपदा आई थी, तब हमारे मंदसौर जिले के अंदर उन्होंने जब आके देखा तो उन्होंने मना कर दिया कि किसी प्रकार का कोई सर्वे नहीं होगा, सभी को मुआवजा बीमा मिलेगा। उन्होंने कलेक्टर साहब को निर्देश दिया कि औपचारिकताएं तो पूरी होती रहेगी, आप मेरे अन्नदाता किसानों को आज ही मुआवजा बांटने का काम चालू करें। तो कमलनाथ जी तो वो लोग हैं, मतलब व्यक्तित्व हैं, जो गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का, इनके बारे में सब तरह से ख्याल करते हैं। इसीलिए कमलनाथ जी की सरकार 18 साल से मुख्यमंत्री है शिवराज जी, ये भी तो काम कर रहे हैं ना। अरे तो मैं आपको यही तो अंतर बता रहा हूँ कि जो 15 महीने में काम हुआ वो 18 साल में काम नहीं हुआ।
इसलिए कमलनाथ जी को लोग चाहते हैं कि जो कहते हैं हम क्या घोषणा पत्र नहीं करते जारी, वचन देते हैं, जो वचन दिया वो पूरा करा। किसानों का 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, लिखित में बीजेपी की सरकार ने सदन में जवाब दिया लिखा हो कृषि मंत्री ने, 27 लाख किसानों का, 300 से 600 वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन करी और वो 1000 रुपये करने वाले थे। इसी तरह हर तरह से उन्होंने जनता की मदद करी और उन्होंने मन की बार भाजपा सरकार या कांग्रेस सरकार का क्या लग रहा है सर, इस बार परिवर्तन होगा मध्य प्रदेश में? वक्त है बदलाव का। अच्छा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है वो चीज बीजेपी ने नहीं कराया, क्योंकि 17 सालों ने इन्होंने केवल भ्रष्टाचार किया है, जैसे महाकाल लोक में इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, फिर अपना कारम डैम वाला जैसे आपने देखा था 403 करोड़ जो लागत थी उसकी बना हुआ, मतलब ऐसा बनाया था कि लोगों को वहां से घर छोड़ के मतलब जाना पड़ा। अच्छा सर, भाजपा तो कह रही है रोड का जाल बिछा दिए हैं, हम देखिए पूरा चमक रहा है भोपाल इंदौर आपका मोहनखेड़ा। भाई साहब आज आप कितनी दूर से आए हैं, मैंने सुना है आप भोपाल में भी मैंने आपको देखा था, बिहार में भी आप बिहार से आए हो, आप ही भाई कार से आए हो, आपने देखा रोड की हालत क्या हो गई है, कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। माननीय शिवराज सिंह जी कहते हैं कि मैंने विदेशों की तरह रोड बनाए हैं, लेकिन शिवराज मामा की गाड़ी ही धक्के खा रही थी और कई नेता उनकी गाड़ी को धक्का लगा रहे थे। तो ये रोडों का विकास है, विकास सिर्फ जनता के दिमाग में उन्होंने जाल बिछा रखा है, रोडों विकास कर रहे करके दिमाग में लोगों के जाल बिछा रखा है, लेकिन धरातल पे कुछ भी विकास नहीं दिख रहा है। क्या लग रहा है सर, मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है? कांग्रेस की बनेगी सरकार मध्य प्रदेश में, क्योंकि काफी अच्छा माहौल है और बीजेपी वालों ने बहुत सारा भ्रष्टाचार कर रखा है, हर जगह जहाँ भी देखो वहाँ भ्रष्टाचारी है। क्या लग रहा है अगली सरकार सर? कांग्रेस की सरकार बनेगी, बिल्कुल कांग्रेस सरकार, 100% कांग्रेस सरकार। सर क्या माहौल है मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश का ये हाल है कि जो जन आक्रोश यात्रा इसीलिए निकाली गई है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी वालों ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, तो इनको किस बात का जन आशीर्वाद दिया जाए? क्या महंगाई के लिए उनको जन आशीर्वाद दिया जाए, कि महिला उत्पीड़न के लिए जन आशीर्वाद दिया जाए, या बेरोजगार युवकों के साथ जो व्यापम और अभी जो ये पटवारी घपला हुआ है इससे 1 करोड़ नवयुवकों का जीवन कर रही है, 18 साल से हम विकास कर रहे हैं, हमको आशीर्वाद दीजिए फिर मौका दीजिए। नहीं नहीं, तो विकास कहाँ किया, ये आप देखिए ना कि महंगाई कितनी हो गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है और महिलाओं को अत्याचार हो रहे हैं। अभी उज्जैन में जो घटना हुई है उसमें माननीय हमारे मामा जी के मुँह से कितने घंटे तक एक शब्द भी नहीं निकला, तो इससे पुलिस को जो 100 डायल पे फोन करा तो पुलिस उपलब्ध नहीं है। मतलब आप ये देखिए कि सरकार कितनी संवेदनशील है कि महिलाओं के मामले में भी सुनवाई नहीं हो रही है, तो किसी प्रकार का कोई सुनवाई यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं हो रही है। यहाँ आरक्षण अच्छे दिन आए कि नहीं सर? अच्छे दिन नहीं, नहीं साहब अच्छे दिन तो कुछ ही उद्योगपतियों के आए हैं, बाकी गरीबों के लिए कोई अच्छे दिन नहीं आए। ये महिलाओं को और अपने गरीबों को जो मजदूरी महंगाई के कारण उनका इतना जीना दुश्वार हो गया है कि उनके कोई अच्छे दिन नहीं है, कभी 15 दिन नहीं आए। जनता बताएगी कितने अच्छे दिन आए, जनता इस बार पूरा मूड बना लिया है जनता ने, और इनको बीजेपी वालों को अभी पता चलेगा कि क्या उनका हश्र होने वाला है चुनाव। सर जनता क्या लग रहा, परिवर्तन का माहौल है मध्य प्रदेश? बिल्कुल परिवर्तन का माहौल है साहब, मजदूर किसान छोटा व्यापारी हर आदमी परेशान है और हर कर्मचारी और सारे लोग का मन बना लिया है कि अब इस सरकार को पलटना है। अबकी बार किसकी सरकार बनने जा रही है मध्य प्रदेश में? अबकी बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ही बनेंगे। सर भाजपा कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है, डबल विकास हो रहा है? नहीं 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 साहब, विकास तो एक एक सतत प्रक्रिया है। ये जो हम लोगों से टैक्स लेते हैं उनके काम करते हैं, लेकिन आप विकास देखिएगा, महाकाल में हुआ के खाली हवा में धूले में मूर्तियां उड़ गई तूफान में, ये विकास है यहाँ का मध्य प्रदेश का? कितने भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है इस बार क्या सोच रही है जनता? जनता बहुत त्रस्त है, सरकार से बहुत परेशान है, भ्रष्टाचार का इन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी है, युवा बहुत परेशान है, सारे घोटाले इन्होंने युवाओं के साथ हमेशा छल किया है, इस बार जनता ने मन बना लिया है कि सरकार को बदलना है। तो अगली सरकार किसकी बनने जा रही है? कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारे कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, लेकिन भाजपा कह रही है कि हम 300-150 सीटें जीत रहे हैं? भाजपा ख्याली पुलाव पुकार रही है सिर्फ। अच्छा,
क्या लग रहा है सर, अगली सरकार भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस सरकार आएगी, और भाजपा सरकार दिखावा करती है और कांग्रेस सरकार सच्चे पे काम करती है। लेकिन भाजपा भी तो कह रही है अच्छे दिन ला दिए, जनता हमारे साथ है। आप देखो खेड़े गांव चले जाओ, देख लो यहाँ पर, देख लो क्या समस्या है लोगों की, आप पूछ लो जनता क्या सब देगी, कांग्रेस और बीजेपी क्या काम करती है। अच्छा, क्या लग रहा सर अगली सरकार किसकी? कांग्रेस, कांग्रेस डेफिनेटली। अच्छा, क्या लग रहा सर अगली सरकार भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस, कांग्रेस। आप लोग क्या सोच? कांग्रेस, कांग्रेस। क्या सोच रहे? जी बिल्कुल कांग्रेस निश्चित, इसमें संकोच की कोई बात नहीं है, कांग्रेस 100% आ रही। देखो त्रस्त कर रही है, बेटियों का बुरा हाल कर दिया है, महंगाई बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है चरम सीमा पर है कि क्या करे जनता, त्रस्त है। गांव खेड़े में चले जाओ, आज मजदूर बेरोजगार, वो प्लान पे इतने बड़े बड़े मुद्दे, उसके बावजूद ये बैनर और फ्लेक्स में दिख रही है भारतीय जनता पार्टी, उसके अलावा कुछ नहीं है। पुलाव पका के खा रही कि भाई हमारी सरकार आने वाली, बाकी होने वाला कुछ नहीं। जमीन पर इनकी कुछ ज़्यादा प्लानिंग नहीं है और कुछ होने वाला नहीं है। बोल, बहुत धन्यवाद सर। तो अभी हम राजगढ़ में है, जहां पर प्रियंका गांधी जी का एक जन आक्रोश जनसभा होने वाला है और जिसमें तमाम लोग शामिल हुए हैं। उनसे हमने जानने का प्रयास किया कि सचमुच जनता नाराज है या भाजपा के साथ है, जनता क्या सोचती है। जनता ने सारी बातें अपनी बता दी है। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। जय हिंद, जय भारत।